हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो पे। सो भाई, आज का हमारा वीडियो फोटोपिया एप्लीकेशन से होने वाला है। फोटोपिया से मैं बहुत ही कमाल की एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि आपने अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं किस तरीके से आपको इस तरीके की एडिटिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फोटोपिया एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि ये हमारा फोटोपिया एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा एंड इसके ओपन पे जाऊँगा। मीडिया से आपको फ़ोटो को ले लेना है। आप देख सकते हो कि फ़ोटो जैसे ही आएगी इसमें और ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो। सो आपको एक बार हैंड टूल्स पे क्लिक कर लेना है, जिससे इस फ़ोटो को आप जूम इन एंड जूम आउट कर सको। एंड आप देख सकते हो कि फ़ोटो की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। अब इस फ़ोटो को मात्र मैं 2-3 स्टेप में ही एडिट करूँगा, और आप देख लेना कि कितनी कमाल की इसमें कलर ग्रेडिंग मैंने की है। उसके लिए सबसे पहले जाऊँगा मैं लेयर वाले पैनल पर, जो कि ये रहा। एंड यहाँ पर मैं चला जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर पर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यू एंड सैचुरेशन वाला ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा। इस पर मुझे चला जाना है एंड मैं इस फ़ोटो को थोड़ा नीचे की ओर ले जाऊँगा, जिससे कि ये दिख सके। अब मैं मास्टर पे क्लिक करके, यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा ग्रीन है सो मैं ग्रीन को ले लूँगा। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देना है थोड़ा। एंड ग्रीन के बाद आपको येलो सेलेक्ट कर लेना है, सो इसकी भी आपको सैचुरेशन बढ़ा देना है। ओके, एंड आपको इसको ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हो फोटो की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है। अब आपको दोबारा जाना है इसी वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आ गया है। आपको चैनल मिक्सर पे चला जाना है एंड इस फोटो का आपको नीचे से छोटा कर लेना है फिर से। ओके, आपको रेड को चेंज कर देना है, इसको ब्लू सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ग्रीन को इनक्रीज कर देना है 100 तक, एंड आपको इसको ब्लू को कम कर देना है 0। ओके, एंड इस पैनल को आपको ऑफ कर देना है। सो गाइज, आप देख सकते हो फोटो की कंडीशन कुछ इस तरीके से हमारी हो चुकी है। अब मैं इस फोटो को फिर से नीचे की ओर रखूँगा एंड दोबारा जाऊँगा लेयर पे एंड एडजस्टमेंट लेयर पे। एंड यहाँ पे यू एंड सैचुरेशन में दोबारा पे सेलेक्ट कर लूँगा। पहले भी मैं यहीं पे आया, दूसरी बार पे मैं चैनल मिक्सर, एंड तीसरी बार यहीं पर येलो को चेंज कर लूँगा मैं सियान। ओके, सियान होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको चेंज करने से बैकग्राउंड कितना अलग अलग बदल रहा है हमारा। सो इसको मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी कलर। तो यहाँ पे मैं इस कलर को रखूँगा, ये वाला कलर। ओके, एंड इसकी सैचुरेशन को मैं बढ़ा दूँगा, यू को थोड़ा और बदलूँगा अगर मुझे कलर बदलना है। तो मैं इस वाले कलर को रखता हूँ एंड यहाँ पे मैं सियान चेंज कर लूँगा रेड, एंड रेड को चेंज करूँगा। सो आप देख सकते हो उसका कलर, हमारा बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको जस्ट थोड़ा सा इनक्रीज करूँगा एंड इसको मैं सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दूँगा। डन, एंड आप देख सकते हो फोटो कुछ इस तरीके से हमारी हो चुकी है। अब आफ्टर एंड बिफोर इस फोटो को दिखाऊं मैं आपको। सो मैं इन तीनों को ऑफ कर दूंगा एंड पहले फ़ोटो हमारी कुछ इस तरीके से थी, एंड अब इन तीनों को ऑन कर दूंगा तो अब फोटो हमारी कुछ इस तरीके से है, जस्ट 3 स्टेप में। इसके बाद मैं इस फ़ोटो में एक PNG को ऐड करूँगा। सो उसके लिए जाऊँगा मैं फाइल पर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओपन एंड प्लेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको मीडिया पर चला जाना है। एंड मैंने एक PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने वो PNG ऐड कर ली, वो PNG कुछ ए है, देख सकते हो। अब इन PNG को मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा। सो यहाँ पे जाऊँगा मैं फ़िल्टर पे एंड यहाँ पे आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोशन ब्लर, मोशन ब्लर पर क्लिक करूँगा एंड इसको इनक्रीज कर दूँगा थोड़ा। ओके, ये डन, इसको मैं ओके कर दूँगा। उसके बाद क्या करना है आपको, लेयर पर जाना है एंड यहाँ पर इस लेयर को आपको डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पे आप प्रेस किए रहोगे, इसको इसको नीचे की ओर लाना है और इसको यहाँ पे छोड़ देना है। सो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी एंड डुप्लीकेट होने के बाद आपको एक को नीचे की ओर ले जाना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो हमारी कुछ इस तरीके से एडिट हो चुकी है। अब गाइज, अगर आपको फोटोपिया से फेस स्मूथ की वीडियो चाहिए तो आई बटन पर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड चेंज की चाहिए तो आई बटन पर दे रहा हूँ। फोटोपिया की बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप जाके देख लें। एंड आप देख सकते हो जस्ट 3 स्टेप में इस फोटो की कलर ग्रेडिंग हो गई एंड एक PNG मैंने ऐड की। सो देख सकते हो कितना अमेजिंग ऐप है। सो गाइस, बस फोटो को आप सेव कर लूँगा। सो फाइल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक्सपर्ट एच पे JPG और इसकी फुल क्वालिटी करके आपको इसको सेव कर लेना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइज, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की मेरी लिंक मिल जाएगी, सो उधर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।